करते दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं डेली वीडियोज अपलोड करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, इससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। आप उन्हें कीजिए। मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। ये आपको आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं, आपके मन को मजबूत करते हैं, आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें कीजिए डेली। कोई ना कोई एक आपको उपाय देती रहती हूँ आपकी समस्याओं से संबंधित। अगर वो आपको मैच करता है, आपको लगता है आप ये कर पाते हैं, तो उसे जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसे हम जीवन में भोजन अगर बना रहे हैं तो उसमें भी हमें विविधताएं चाहिए। डेली हम एक सा भोजन, एक ही भोजन हम नियमित नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में अगर हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए, जीवन चाहिए कि हमारा अच्छे से चलता रहे, रोग शोक बीमारियां हमसे दूर रहें, तो नियमित कुछ ना कुछ आपको उपाय करते रहना चाहिए। और इन उपायों को आप अगर अपने जीवन में ढाल लेते हैं, मैं ऐसे आपको कोई उपाय नहीं देती हूँ जिसमें आपको घंटों पूजाएं करनी हो, आपको महंगे रत्न पहनने हो या महंगी आपको पूजाएं करनी हो, कुछ आपको बाहर से लाना हो, सब कुछ आपके घर में ही होता है। नहीं है तो आपको मानसिक तौर से बहुत सारे उपाय देती हूँ, आप उन्हें करते रहिए। वैसे भी तो आपकी जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, मैं इसे व्यर्थ ही बोलूंगी। आप समस्याओं से घिरे हैं, उसे निकलने के लिए आप इधर उधर तो भटकते रहते हैं लेकिन उपाय नहीं करते हैं। स्वयं से करिए, किसी और से कराने की जगह आप करिए। जैसे भूख आपको लगी है, भोजन आप करेंगे तो वो आपका पेट भरेगा। इसी तरह से उपाय हैं। अक्सर माएँ कहती हैं बच्चा नहीं करेगा मुझे बता दीजिए। सही है, माँ का प्रभाव बच्चे के लिए 50% तक काम करेगा, लेकिन 50% तो बच्चे का ही भाग्य साथ देगा। आगे चल के बच्चे को ही अपना भाग्य निर्माण करना है। बच्चे के कर्म अलग हैं, आपके कर्म अलग हैं। तो अगर आप बच्चे के लिए उपाय ले रहे हैं तो पहले बच्चे से कहिए कि वो इन उपायों करे। और मैं इतने सरल उपाय देती हूँ कि जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। वीडियो शुरू करूंगी, इसके साथ ही मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। मैंने कमेंट सेक्शन से एक क्वेश्चन लिया, वो कौन भाग्यशाली है उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक बार आप लोग वीडियो पूरा देख लिया करिए। नंबर आप लोग उठा लेते हैं और मुझे फोन कर देते हैं। आपको अगर वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मेरा स्क्रीन पर जो नंबर है, सॉरी, उसी वीडियो के नीचे आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपनी जो भी आपको क्वारी यानी आप जानकारी चाहते हैं उस वीडियो के संबंध में, उसके नीचे लिख दीजिए। जब मैं कमेंट पढ़ूंगी आपको उसका आंसर कर दूंगी। ये नंबर मैं आपको केवल और केवल कुंडली विश्लेषण के लिए देती हूँ। अगर आप चाहते हैं अपना अलग से अपने उपाय जानने के लिए तो आप इस नंबर को आप डायल कीजिए। यहाँ आपको फीस देनी होती है। अगर आप फीस नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे वीडियोज चल रहे हैं, मैं ग्रहों के ऊपर भी उपाय देती रहती हूँ, आपकी समस्याओं के आधार पर भी उपाय देती रहती हूँ। आप उनमें से कुछ वीडियोज को चुन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और कीजिए। आपको धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। लेकिन आप चाहें कि आज आप करें और कल आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि जैसे हमें खाना बनाते हैं तब भी हमको 4-5 घंटे लगते हैं, उस खाने को तैयार करते हैं, काटते हैं, बनाते हैं और तब जाके वो भोजन स्वादिष्ट तैयार होता है। ये जीवन है, ये लाइफ है हमारी। हम बाकी सब कुछ करते हैं लेकिन अपनी लाइफ को, अपने भाग्य को एकदम से ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके लिए हम कुछ नहीं करना चाहते, बस नेगेटिव बोलते रहते हैं, मेरा नहीं होता, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तो होगा ही नहीं। उस वजह से हम अपने भाग्य को और खराब करते चले जाते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव वर्ड्स छोड़ने हैं आपको। मैं इसीलिए आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर देती हूँ जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में तो यकीन मानिए 50% समस्याएं तो आपके जीवन से ऐसे ही छूमंतर हो जाती हैं। वो कब आती हैं और कब चली जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आज मैं आपको गुरुवार का उपाय देने वाली हूँ। गुरुवार आप सभी जानते हैं बृहस्पति ग्रह का सभी के कुंडलियों में, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी की कुंडलियों में मजबूत होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। अगर आपकी कुंडली में, आपके ऑरा में अगर बृहस्पति की ऊर्जा कम होगी तो आप तरह तरह की समस्याओं से घिरे होंगे। धन की समस्या होगी आपको, ज्ञान आपके पास कम होगा, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ा हुआ आपको याद नहीं होगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा, आप जीवन में ऊंचाइयां नहीं छू पाएंगे, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन खराब होगा आपका, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, धन आपका व्यर्थ खर्च होता रहेगा, धन आएगा तो सही लेकिन बचेगा नहीं,
आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी बृहस्पति के खराब होने पर ही होती है दोस्तों। बच्चों में ज्ञान की कमी हो जाती है, बच्चे अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं बृहस्पति कमजोर होने से, विवाह नहीं होते हैं ऐसे बच्चों के और बहुत ही लेट हो जाते हैं विवाह। बहुत सारी वजह होती हैं बृहस्पति कमजोर होने से, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं, मन बेचैन रहने लगता है। अगर आपको गैस एसिडिटी की शिकायत हो रही तो इसका मतलब आपका बृहस्पति कमजोर है, खराब है। तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हैं दोस्तों। आज मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको बृहस्पति ग्रह को आपको क्यों प्रबल करना चाहिए। मैंने आपको समस्याएं बता दी, इतनी सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में हैं तो आपको इसको प्रबल करना ही चाहिए। अगर आपको बृहस्पति का मंत्र जो मैं देती हूँ, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, अगर आप इसको जाप करते हैं और आपको गैस एसिडिटी अधिक होने लगती है तब आप इस मंत्र का जाप मत कीजिए दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आपको बृहस्पति का मंत्र दिया जाए तो आपको जाप करना ही है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज दे रहा है और तब आप उसको बंद कर दीजिए। केसर का टीका डेली लगाइए माथे पर अपने बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, इससे आपका बृहस्पति प्रबल होगा। नियमित आप दोस्तों एक चुटकी हल्दी अपने खाने में ऊपर से भरक कर खाइए, तब भी आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। आज मैं विशेष आपको बृहस्पतिवार को करने के लिए उपाय दे रही हूँ। आपको बृहस्पतिवार को अपने घर में मंदिर में एक जो दीपक जला रहे उसमें चुटकी भर हल्दी डालिए, नारायण की फोटो रखी है, कान्हा रखी है आपके मंदिर में, तो आप उनके मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिए, एक लोटे में जल भर के रखिए, उसमें भी दो तुलसी दल डालकर रखिए। इसके अलावा आपको एक आटे की लोई बनाइए, उसके अंदर चने दाल भरिए, गुड़ रखिए और उसमें हल्दी लगा दीजिए। ये भी आप अपने घर के मंदिर में रखिए। अपने घर के मंदिर में आप जो भी पूजा करते हो वो कीजिए। अगर आपको बृहस्पति का मंत्र सूट करता है, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत बार आजमाया है, बहुत लोगों को आजमाया है जिनका बृहस्पति कारक ग्रहों में नहीं होता है, यानी कि उसकी मित्र राशि में नहीं होता है या कमजोर होता है, तो उन्हें गैस एसिडिटी की शिकायत बहुत ज्यादा होती है और जब वो बृहस्पति का मंत्र जाप करने लगते हैं तो ये और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूं अगर आपको सूट करता है, ऐसी कोई आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होती है, तब आप बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आप बृहस्पति के मंत्र का जाप नहीं करें। इस लोई को रखें अपने घर सामने, तुलसी दल जरूर रखें पानी के अंदर डालकर, कान्हा को तुलसी दल अर्पित कर दीजिए, मिश्री का भोग रख दीजिए, बेसन की बनी हुई वस्तुओं का भोग लगा दीजिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करके आप ये जो तुलसी दल है जो मैंने पानी में डलवाए, इस पानी को सभी के पीने के पानी में डाल दीजिए और आप वो तुलसी दल पानी के साथ में निगल जाइए। और ये जो गाय की लोई निकलवाई है, बृहस्पतिवार की कथा सुन लीजिए अगर आपको पता हो, नहीं तो अपने मोबाइल में से देख के आप बृहस्पतिवार की कथा सुन लीजिए और बाद में इस चने की दाल और इसको आप गाय को डलवा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों तुलसी अगर आपके यहाँ लगी है तो तुलसी पर हल्दी मिश्रित जल का छींटा जरूर लगाइए, जल जरूर चढ़ाइए, दो बूंद आप कच्चा दूध भी जरूर चढ़ाइए बृहस्पतिवार को, क्योंकि बृहस्पति गुरु की राशि गुरु चंद्रमा की राशि में प्रबल हो जाते हैं और तुलसी विष्णु प्रिया है, भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उनकी पत्नी है, और दूध चढ़ाने से आपका गज केसरी योग का प्रबल योग बन जाता है आपकी कुंडली में, तो धन लाभ अधिक होता है, माता मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। ये उपाय जरूर कीजिए, धूप दीप दिखाइए, शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाइए। याद रखिए कि दीपक को आपको प्लेट में ही रख के लगाना है, उसके अंदर कुछ 4-6-8 दाने बूंद आप कच्चे चावल के डाल दीजिए, ऐसे ही आप दीपक को पृथ्वी पर मत रख दीजिए, इससे आपको दोष लगता है। तुलसी हल्दी के पानी का छींटा अपने मेन दरवाजे पर, मेन डोर पर भी जरूर दीजिए और ध्यान मनी मन ध्यान कीजिए कि माता मां लक्ष्मी आपका आह्वान करती हूँ, विष्णु संग नारायण संग आपका स्वागत है, मेरे घर में स्थिर रूप से निवास करें। हल्दी से ही अपने घर के दोनों तरफ, मेन डोर के दोनों तरफ आप हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, छोटे छोटे से सुंदर से स्वास्तिक बनाइए, ये आपके गुरु ग्रह को प्रबल करते चले जाएंगे। आपके घर में गुरु ग्रह की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपका भी गुरु ग्रह अच्छा होता जाएगा। अब दोस्तों विशेष उपाय में आप गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए मीठे चावल बनाइए हल्दी मिश्रित करके, केसर है तो केसर डालिए, नहीं है तो हल्दी डालकर बनाइए। हल्दी डालकर मीठे चावल बनाइए, इन्हें अपने उसमें दो तुलसी दल रखकर नारायण का भोग लगाइए, उसके बाद इसको बांट दीजिए प्रसाद स्वरूप, गरीबों को तो विशेष रूप से बांटिए। आपका ग्रह आप इसे नियमित हर गुरुवार भी गुरुवार कर सकते हैं।
आप इसको नियमित गुरुवार, 11 गुरुवार, 21 गुरुवार आप ये प्रयोग करते जाइए। आपको कैसी भी समस्या हो, विवाह नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन खराब है, आपको धन की समस्या है या ज्ञान की समस्या है, बच्चों को भी पढ़ा हुआ याद नहीं होता, बहुत सारी समस्याएं दोस्तों इससे आपकी हल हो जाएंगी। लेकिन चमत्कार एक दिन में नहीं होता है, तो पूरी पॉजिटिविटी, पूरे धैर्य के साथ आप इन प्रयोगों को करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। जो मैंने आपको चावल का बताया है, मीठे चावल वाला, गरीबों में जरूर बांटिएगा दोस्तों, तब भी आपका बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, प्रभावी है। मात्र एक एक मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका मानसिक तनाव यानी मानसिक टेंशन दूर होता है, ग्रह आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, भाग्य आपका साथ देने लगता है, आपको अटके हुए कार्यों में निकलने के लिए मार्ग दिखाई देने लगते हैं। स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका सुफल आपको जल्दी दिखाई देने लगेगा, घर में भी सामंजस्य का वातावरण बनने लगता है। 2 सितंबर 2021 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 1:55 से 2:30 बजे तक, सॉरी 2:30 तक, सॉरी 3:30 तक। इससे मैं आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:54 से 12:46 तक। इससे मैं आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालिए और इस पानी से स्नान कीजिए तो आज आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, एनर्जी से भरा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी और किसी भी तरह की मानसिक तनाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों वो है ई, ईश्वर वाला ई। इस ई शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। इसे आप अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका ई ही होना चाहिए। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद, मेरा लकी अंक, जो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनके की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस अंक को लिखेंगे। अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रखेगा, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देगा। आज का लकी अंक है 7 यानी 7 का अंक। हल्दी से एक व्हाइट कलर के पेपर पर 7 नंबर लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 8077506510। इस नंबर पर आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करके आप प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आपको मेरे उपाय कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कितना लाभ मिल रहा है, कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे आपको आपके कमेंट पढ़कर लोगों को मोटिवेशन मिले और इन उपायों को करने के लिए और इनको फॉलो करने के लिए, और आपका भी इससे नाम बढ़ेगा दोस्तों। अब जो मैं आपको आज जो मैंने लिया है कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन, वो है सुरभि जैन का, 6/9/1994, 10 AM, मोदी नगर, शादी कब होगी। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपकी सिंह राशि है, सूर्य और आपकी राहु की महादशा चल रही है, और जो कि आपके लिए अभी काफी लंबी चलने वाली है राहु की महादशा, तो कुछ विशेष उपाय आपको करने होंगे। इसके साथ ही आपको मुझे अभी 1 वर्ष तक आपके लिए कोई योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका ये विवाह का योग 2022 में आपके लिए जो विवाह का योग बनेगा, तब आपके लिए संभावना बनती है कि आपका विवाह एक सुयोग्य वर के साथ हो जाएगा। आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है तो अगर आप उपाय जानना चाहती हैं तो अपने विशेष उपाय आप मुझसे ले सकती हैं। तब तक आप अपने राहु के लिए कुछ भी, जैसे शिवलिंग की आप उपासना कीजिए, शिवलिंग पर नियमित जल अर्पित करेंगे तब भी आपका राहु आपका शांत होने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और चाहूंगी।